विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में की थी। दो साल कोरोना काल के बाद आज 8वें विश्व योगा दिवस के मौके पर फर्रुखाबाद के ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम और आर्मी के करियापा मैदान व जिले में विश्व योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम प्रदेश के मंत्री राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा सहित जिले के तमाम अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों ने योगा किया। जिलाधिकारी संजय सिंह SPSO कुमार मीणा ने योग शिविर में योग किया। समाज सेवी स्टेडियम के सभी कोच व खिलाड़ी, NCC के कैंडिडेट और आम जनता ने भारी संख्या में योग दिवस के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आर्मी सेंटर में सिखलाई रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट में भारत को स्वस्थ रखने की कसम खाई। कुछ समाज सेवियों द्वारा शहर के एक गेस्ट हाउस में योग दिवस के लिए सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया है। योग गुरुओं ने सभी योग करने वालों को सलाह दी कि योग का मतलब यह नहीं कि योग दिवस के मौके पर योग किया और भूल गए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि योग प्रतिदिन करने से तमाम प्रकार की बीमारियों से निजात मिलता है। इसीलिए प्रतिदिन योग करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में शांति के साथ पैसा भी बचेगा, उसके साथ खुशहाली भी आएगी। मंत्री जी, अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया आज फर्रुखाबाद की ऐतिहासिक धरती पर। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक विशाल कार्यक्रम ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में आयोजित हुआ है। योग हमारे जीवन का आज एक कला के रूप में ही हिस्सा नहीं रहा। योग के माध्यम से हम अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता का विकास कर रहे हैं, शरीर को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं और इस जन जागरण के माध्यम से लोग अपने जीवन में इसको नियमित तौर पर लाएं, ऐसा कि हम लोगों ने जीवित और रखा। लगभग मंत्री जी, कितने लोगों ने बताया कि आज के बड़ी संख्या में यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि लगभग 4000 से अधिक संख्या में यहाँ पर लोग आए और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, सभी मतलब साहब के नेतृत्व एक विशाल कार्यक्रम यहाँ सब पर। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऑफिस में भी लोग योग करते हैं, आपको इसको क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी का जो कहा कि अब केवल ये जीवन हिस्सा नहीं, अब जीवन में एक तरीके से हमको इसको सम्मिलित करते हुए अब आगे बढ़ना है, हम निरोग रहें, स्वस्थ रहें, इस नाते ही आवश्यक है। 4000 लोग बुलाए गए योग करने के लिए, लेकिन आपसी तालमेल नहीं दिखा, कुछ लोग योग करते रहे, कुछ तालमेल दिखा, सभी लोग करते रहे, लोगों देखा भी। आज 8वां योग दिवस है, क्या कह रहे हैं? सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं आचार्य प्रदीपनाथ शुक्ल, संस्थापक श्री कला सेवा संस्था पांचालघाट प्रकाशी विश्वनगर फर्रुखाबाद। अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में माननीय श्री योगी मोदी जी के अनुग्रह पर पूरे देश, पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे सप्राकाशी फर्रुखाबाद में प्रातःकालीन से योगाभ्यास प्रारंभ हो चुका है। इसमें भारत विकास परिषद द्वारा हुआ, जिसमें समय दिया पांचाल घाट पर, और विशेष रूप से आज हमारा जो समय था केंद्रीय विद्यालय में आदरणीय प्राचार्य जी और मिश्रा जी के माध्यम से हमारा यहाँ पे आना हुआ प्रथम बार। और योगाभ्यास से कहा गया है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य वैद्यकेन। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि आपको अगर जो स्वस्थ रहना है तो योग को अपनाना चाहिए। योग जो है हमारा शरीर का वैद्य है, हमें अगर जो समता लानी है, हमें सामंजस्य बिठाना है, तो हमें योग को अपनाना ही होगा। हमारी जो चित्त की वृत्तियां आधुनिक समय में आज के बच्चों की फैलती जा रही हैं, उन चित्त की वृत्तियों का समन कैसे हो, इंद्रियों का समन कैसे हो, तो वो केवल योग माध्यम है, जिसको करने से हम अपनी वृत्तियों का समन कर सकते हैं।